आते हो और वो बूढ़ी अम्मा जो है आपको ऐसी दुआएं देती है कि अल्लाह तुझे ये कर दे, अल्लाह तुझे ये कर दे, तुम क्या कर रहे हैं? लेकिन वो अच्छी दुआ ये नहीं कह रहा हूँ, वो ये कहते हैं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन वो जब दुआएं देती है ना तो आपको फीस वीस उस वक्त कुछ मायने नहीं रखती। वो जो दुआ मिलती है ना उस बूढ़ी औरत की, जो बेचारी चल भी नहीं सकती, बिस्तर पर है, शुगर की मरीजा है, तो वो बस वो भी दुआएं लगी। उसके बाद इस इंस्टीट्यूशन ने मुझे सब कुछ दिया, इसमें कोई शक नहीं है कि माँ बाप की दुआएं, अल्लाह का करम और मरीजों की दुआएं, बुजुर्गों की दुआएं, दोस्तों की दुआएं, सब सारे लोगों की दुआएं, लेकिन इस इंस्टीट्यूशन का बहरहाल इसमें सबसे बड़ा रोल है। और 99 में मैंने यहाँ एज ए डेमोन्स्ट्रेटर ज्वाइन किया था। उसके बाद प्रोफेसर अलीम शेख साहब उस वक्त होते थे, अल्लाह उनको सेहतमंद रखे, अब वो रिटायर होने लगे हैं, 70 से 75 से भी अबव होंगे, लेकिन उस वक्त मुझे डेमोन्स्ट्रेटर बायोकेमिस्ट्री में अपॉइंट किया। तो आप सोच भी नहीं सकता था उस वक्त कि मैं प्रोफेसर जाऊँगा, लेकिन बहरहाल फिर इस कॉलेज में मुझे एम फिल करने के लिए कराची भेजा, जिला हॉस्पिटल में जाके एम फिल किया, फिर उसके बाद यहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया, फिर एसोसिएट, फिर प्रोफेसर, और अब सारे सिलसिले जो है वो चल रहे हैं। मैं इसलिए ये बात इतनी कर रहा हूँ कि अभी जो फैकल्टी मेम्बर तारुफ कराएंगे वो भी थोड़ा सा आपसे कुछ ना कुछ बातें ज़रूर करेंगे, अपने को इंट्रोडक्शन सिर्फ नहीं कराएंगे, थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री और अपने हवाले से भी बात करेंगे। तो इस इंस्टीट्यूशन का जो है वो सबसे बड़ा रोल है, और अल्लाह का शुक्र है 99 से लेके मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फलानी जगह चला जाऊँ, फलानी जगह चला जाऊँ, इधर ही रहना है। और इधर ही से अगर ज़िंदगी रही तो 70 तक, उसके बाद फिर ज़िंदगी रही अल्लाह ने दी तो ठीक है, वरना तो अल्लाह ज़ाहिर है जाना सबको है, और एक दिन ये वक्त सब पे आना है। तो क्या कहते हैं कि हर जी रूह को मौत का मज़ा चखना है, मुझे भी चखना है, आपको भी चखना है, कब चखना है ये अल्लाह को पता है, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो सेहत तो तवाना रखे, इसी तरह हाथ पर चलते रहे, आप लोगों को भी खुश रखे। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन और मेरी बातें। अब हमारे पास सबसे सीनियर प्रोफेसर इस वक्त बायोकेमिस्ट्री के